जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका। आज मेरे साथ हैं युवा साथी विकास जी, लादूराम जी और विनोद जी, और हम बात करने जा रहे हैं जो हाल ही में सबसे चर्चित विषय राजस्थान का रह रहा है। राजस्थान का ही नहीं, ये राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों में भी बात फैल चुकी है, क्योंकि राजस्थान SI की जो भर्ती थी, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, उस भर्ती के अंदर SOG और AG साहब बाबा किरोड़ीलाल मीणा, उन सबकी राय के बाद में क्या एक कमेटी बिठा देना उचित है या नहीं, उसके बारे में विकास जी आप क्या कहेंगे? साथियों, मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि जो भर्ती 2021 से चली आ रही है, जिस पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पर्दा डालने का काम किया, लेकिन भजनलाल जी के नेतृत्व में SIT गठित की जाती है, और धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय ADG VK सिंह जी का कि उनके नेतृत्व में जो कार्रवाई होती है वो वास्तव में काबिले तारीफ है कि 42 प्रशिक्षु थानेदारों सहित 160 आरोपियों की गिरफ्तारी इस सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रकरण में होती है। साथियों, गिरफ्तारियां ठीक है, RPSC के सदस्य बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका जी भी गिरफ्तार होते हैं, उनके बेटा बेटी जिनको टॉप रैंकर के साथ सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट होते हैं वो भी गिरफ्तार होते हैं, लेकिन अब ये बात यही नहीं रुकती, क्योंकि यह एक फर्जीवाड़ा बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, तीनों तारीखों के पेपर आउट हुए हैं, और इसकी पुष्टि SOG ने इस बात की पुष्टि कर दी कि 6 की 6 पारियों के पेपर लीक हुए हैं। उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने सरकार को इस बात की अनुशंसा ड्राफ्ट भेजकर कर दी कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जावे। साथ ही जब सरकार ने विधिक राय ली तो एडवोकेट जनरल ने स्पष्ट रूप से यह राय दी कि बिल्कुल एक ही रास्ता है, सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में मास लेवल पर करप्शन हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, और यह भ्रष्टाचार का उजागर करने का काम लगातार आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल माननीय मंत्री जी भी कर रहे हैं। लेकिन साथियों, अब जरूरत था आप सब लोगों के जागने की, क्योंकि अब बारी आ गई है युवाओं के न्याय की, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट है, भजनलाल सरकार के सामने सब कुछ स्पष्ट है। जिस भ्रष्टाचार को, जिस पेपर लीक को SOG ने स्वीकार लिया, पुलिस मुख्यालय ने स्वीकार लिया और AG साहब ने स्वीकार लिया, तो आखिर अब कमेटी का खेल क्यों खेला जा रहा है? सरकार क्यों लिपापोती करना चाह रही है? क्यों मंत्री बनाकर इस भर्ती को इधर उधर करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या वो मंत्री जो बनाए गए हैं इस कमेटी में, क्या वह विषय विशेषज्ञ है? वह भी तो राय SOG से ही लेंगे, वह भी तो राय AG साहब से ही लेंगे, तो इस भर्ती को रद्द करना ही एकमात्र रास्ता है। आज हम आशु सर के पास आए हैं और सर के इस प्लेटफॉर्म से हम आप सभी साथियों तक हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब इस भर्ती को रद्द करने का समय आ गया है, अब उबाल इस भर्ती ने ले लिया है। डॉक्टर साहब से लेके सत्ता और विपक्ष से लेके भी, विपक्ष के डोटासरा जी हों या टीकाराम जी जुलू जी हों, सब हमारे साथ हैं। अब बात आ गई है हम युवाओं के एकजुट होने की। साथियों, लोकतंत्र में संख्या बल का बहुत महत्व है, सरकारें झुकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आप सभी युवा नौजवान क्रांतिकारी साथियों से, मेरी बहनों से विशेषकर अपील है कि इस धरना प्रदर्शन में आप शामिल हो। SI भर्ती रद्द का यह आंदोलन है, और आगामी 7 अक्टूबर को सोमवार को राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर यह आंदोलन किया जा रहा है। आप अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होकर इस आंदोलन को सफल बनाएं और SI भर्ती रद्द करने की मांग को सरकार तक मजबूती से पहुंचाएं। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको ये भी कह दूं कि देखो, बाबा किरोड़ी जी जो है उन्हीं की सरकार है, और वह अपनी सरकार के खिलाफ भी इतने सबूत दे चुके हैं, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों निर्णय नहीं ले पा रहे, ये सबको सोचने पे मजबूर कर रहा है। भी जब आप ही की पार्टी के आदमी आप ही को सबूत दे रहे हैं, फिर बाकी बच क्या रहा है? मैं मानता हूं कि कुछ ईमानदार साथी होंगे हमारे, वो वापिस मेहनत करके दोबारा लग सकते हैं, लेकिन क्या आप यह जान सकते हैं कि एक तरफ 700 आदमी है और एक तरफ 5 लाख परिवार को न्याय की आवश्यकता है, तो आपका पलड़ा किस ओर होगा? हमने तो कहा है, प्रताप सिंह भारत से सुना भी है कि मेरी एक मां रोती है तो रोने दो, मैं हजारों माताओं के लिए, एक माता के लिए हजारों माताएं नहीं रुला सकता, तो हम 700 के लिए 5 लाख को कैसे रुला देंगे? न्याय चाहिए, यहां पर निष्पक्ष न्याय चाहिए, बात आ चुकी है अब न्याय की, और इस पर जो लिपापोती का कार्य है वो अब सहन नहीं करेगा युवा। हम सब 7 तारीख सुबह 11 बजे राजस्थान विश्वविद्यालय पर पहुंचेंगे, मैं भी रहूंगा, मेरे और युवा साथी भी रहेंगे, और अन्य अध्यापक गण जो राजस्थान के हैं, माननीय गुरुजनों से भी निवेदन है कि इन युवाओं का साथ दें, इनके साथ आए, क्योंकि आज हम यहां पर हैं तो इन्हीं की वजह से हैं। अगर यही टूट गए और यही पढ़ना बंद कर देंगे तो ना हम रहेंगे, ना फिर कोई न्याय की मांग करेगा, चाहे फिर कितनी भी वैकेंसी आ जाए, कोई तैयारी करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जितने भी युवा साथी हैं, वह 11 बजे, चाहे लड़के हैं चाहे लड़की,
किया है, जयपुर में आप कहीं पर भी रह रहे हैं, अगर आप आज नहीं आए तो फिर आपकी आवाज उठाने को कोई नहीं आएगा। आपको अब यहां पर यह नहीं सोचना है कि इसका नेतृत्व ये कर रहा है तो मैं क्यों जाऊं, इसका नेतृत्व ये कर रहा है तो मैं क्यों जाऊं। ये हम सब की लड़ाई है, छात्र हित की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई है। और आज लोकतंत्र में अगर हम हार गए इतना सब कुछ देखने के बाद भी, तो फिर आप चाहे कोई भी सरकार आए, किसी को आप वोट दो चाहे मत दो, इसका कोई फायदा नहीं है। फिर आप सेल्फियां लेते रहना, खिंचाते रहना और ये देखते रहना कि पैसे वाले कैसे लग रहे हैं। ठीक है, जब हम देख चुके हैं कि डिप्टी साहब का लड़का राम राय जी, उनके बच्चे इस करप्शन का किस प्रकार से फायदा उठा रहे हैं, और हम लोग जो युवा साथी तैयारी कर रहे हैं वो आज बेरोजगार सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहीं पर भी न्याय संगत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेवे और 7 तारीख से पहले अगर वो फैसला दे देते तो बहुत ही अच्छा है, ये वीडियो उन तक भी पहुंचाया जाए। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एसआईटी का गठन किया और हमें एक न्याय की उम्मीद जगाई। सर एक बात मैं कहना चाहूंगा साथियों, शिक्षण संस्थानों तो बहुत हैं और मोटी मोटी रकम लेके बड़े बड़े कोचिंग संस्थान शिक्षा का व्यापार तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है विद्यार्थियों के हितों पर, जब बात आती है विद्यार्थियों के लिए न्याय की, पेपर लीक की, तो शिक्षण संस्थान अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम आशू सर के पास आए और सर ने एक निवेदन किया, सर ने स्वीकार किया और आप सब युवाओं की बात को रखा और सब युवाओं की बात को मजबूती से लड़ने के लिए आप लोगों से आग्रह किया। मैं सर का विशेष रूप से और समस्त राजस्थान की छात्र शक्ति की तरफ से आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।